Hey, what is up guys? Welcome back to the channel. और आज हमारे पास हैं LG के टोन फ्री ईयरबड्स और इसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन आता है. तो ये हमारे पास आए हैं वाइट कलर में, तो इसको हम चेक करेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है. और आपको हम प्राइस सबसे पहले बता दें तो ये आते हैं काफ़ी प्रीमियम प्राइस के साथ में. एक्चुअल में इनकी जो प्राइस है वो है 20,000 रुपीज़. तो इस प्राइस के अंदर इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है ये चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में क्या कुछ कॉन्टेंट्स मिलते हैं और इसकी डिज़ाइन कैसी है. सो गाइस, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको इसके साथ में एक कवर मिलता है जो कि गणेशा का है और ये फ्री है इन ईयरबड्स के साथ में. तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, उसके बाद हम इसको अनबॉक्स करेंगे. तो भाई ये है हमारा LG टोन फ्री का बॉक्स और ये वाइट कलर में आता है और यहाँ पे मेंशन किया गया है यूवी नैनो किल्स 99.9% ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और ये शायद से मॉडल नंबर है जो कि है टोन FP9W. इसके अलावा यहाँ पे विद मेरेडियन क्लियर साउंड के साथ में आता है फ्लेक्स एंड एक्शन बेस. तो बेस हम लोग टेस्ट करेंगे कितनी अच्छी क्वालिटी है बेस की. और यहाँ पे 3 माइक्रोफोन सिस्टम दिया गया, मतलब 3 माइक मिलते हैं तो आपकी इन कॉल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी. बाकी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो अगर आप इस ईयरबड को 5 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 60 मिनट तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है. इसके अलावा यहाँ पे जो ईयरबड्स का मैक्सिमम टाइम है प्लेबैक टाइम वो है 10 घंटे का सिंगल चार्ज पे. और अगर आप केस भी चार्ज करके रखेंगे तो आपको 24 घंटे का जो प्लेबैक टाइम है वो देखने को मिलेगा. बाकी यहाँ पे IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे मेंशन की गई है इसकी इमेज और ज़्यादा यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे नहीं, सीधा ओपन करते हैं. बट यहाँ पे प्राइस आपको दिखा देते हैं, बहुत ही छोटा छोटा मेंशन किया गया है. जो MRP है 29,000 है, बट ये जो ईयरबड है ये आपको 20,000 के अंदर देखने को मिलता है. तो ये काफ़ी प्रीमियम टाइप के ईयरबड्स हैं. तो फटाफट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं भाई. और फर्स्ट इम्प्रेशंस के अंदर देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल वाइट कलर में आता है और यहाँ पे टोन मेंशन किया गया है कुछ इस तरीके से. बाहर निकालते हैं इसको तो काफ़ी टाइनी है और देख सकते हैं साइज़ में काफ़ी छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल से आप अपने पॉकेट में आराम से कैरी कर सकते हैं इसको. तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं. तो ये एक केबल है जिसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं जो कि Type-A to Type-C. ये है 3.5 mm से आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलता है. इसका यूज़ क्या है इसको हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में. इसके अलावा यहाँ पे आपको ईयरबड मिलते हैं जो कि हैं 2 पेयर. ये है आपका यू ओनर्स मैनुअल, इनको आप रीड कर सकते हैं आप यूज़ करने के पहले. तो ये है एक वारंटी कार्ड. अभी गाइस यहाँ पे बात करें कवर की, तो इसको ओपन कर लेते हैं. तो ये जो कलर है ये है कुछ ग्रीन टाइप का. तो कुछ इस तरीके से आप मैच करके इसको इस तरीके से लगा सकते हैं. तो आपका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आपका देखने को. अब गाइस यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया था यूवी लाइट, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको यूवी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं. ये जो कलर है ये एक्चुअल में वाइट है, बट ये जो ईयरबड्स का कलर है वो थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में बनाया गया है. ये इसकी जो कोटिंग है ये वाली वाइट है और यहाँ पे ये जो है ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है और ये हल्का सा ग्रेइश टाइप का है. ईयरबड्स का साइज़ काफ़ी छोटा है आप देख सकते हैं, ये आपके ईयर्स में काफ़ी बढ़िया से फिट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी मैं कहना चाहूँगा इनको. काफ़ी टाइम तक हमने इसको यूज़ किया है. और अगर हम बात करें यहाँ पे राइट लेफ्ट की, तो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा राइट वाला है और कौन सा लेफ्ट वाला है. और यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ये सेंसर है, तो आपके कानों में आप रखेंगे और निकालेंगे तो ये अपने आप पॉज और आपका प्ले हो जाता है इसके थ्रू. बाकी गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक लाइट जो कि येलो कलर की है और ये ग्रीन और ब्लू भी ब्लिंक करती है, वो टाइम टाइम के हिसाब से करती है. चार्जिंग में लगाएंगे तो अलग कलर हो जाएगा. और यहाँ पे भी आपको एक यूवी नैनो की लाइट ब्लिंक होती नजर आती है. अभी गाइज बात करते हैं कि ये जो केबल है इसका क्या काम है. तो एक्चुअली ये Type-C आपके इस साइड कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे एक टॉगल स्विच दिया गया है, इसको आपको इस साइड टॉगल करना है. उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है 3.5 mm का जैक जिसमें आपको देखने को मिलता है उसमें आप ये प्लग कर सकते हैं, चाहे आपका स्मार्टफोन हो चाहे आपकी ट्रेडमिल हो. इन केस आपके ट्रेडमिल में ब्लूटूथ अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसके थ्रू आप अपने ईयरफोन में ब्लूटूथ वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं. या फिर अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं वहाँ पर अलाउड नहीं है ब्लूटूथ ऑन करना है, तो उस केस में भी आप इसको काम में ले सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन ये होता है कि यहाँ से आपके केस के थ्रू तो वायर्ड कनेक्टेड रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको जस्ट बाहर निकाल के अपने ईयर्स में प्लग करते हैं
तो ये आपका केस आपके ईयरफोन के साथ में पेयर हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं LG Tone FP9 आ गया है, इस पे टैप करना है आपको। अभी गाइस LG की तरफ से एक ऐप आता है, आपके फ़ोन में आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे डेडिकेटेड आपको दिखाएगा 27% केस की बैटरी है और 99% ईयरबड्स की बैटरी है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको बैकग्राउंड की नॉइज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको ज़्यादा नॉइज़ कैंसिल करनी है या फिर थोड़ा सा आपको बाहर की वॉइस भी सुननी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा। कहीं ट्रैफिक पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो आपको जो वॉइस है वो आनी जरूरी होती है गाड़ियों के हॉर्न की, तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। बाकी अगर आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी बात कर सकते हैं, और काफी लोगों को आपने देखा होगा कि ईयरबड लगाने के बाद कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे एम्बियंट साउंड आप ऑन करेंगे तो आपको एक्चुअली में प्रॉपर वॉइस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि अगर आपको बेस चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, नेचुरल चाहिए, ट्रेबल बूस्ट चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन है, आप इसको भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते हैं। तो इस ऐप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे टच आप कैसे टॉगल करेंगे, सिंगल क्लिक पे क्या हो, डबल क्लिक पे क्या हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी गाइस बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी की। तो थोड़ी देर तक हमने इसको सुना काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पर, और अगर हम बात करें इनके म्यूज़िक क्वालिटी की तो भाई ऑसम, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की म्यूज़िक है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं कि बेस काफ़ी ज़्यादा जा रहा है या फिर काफ़ी कम है, तो बेस भी काफ़ी परफेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ट्रेबल है उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका भी साउंड काफ़ी परफेक्ट है। सो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने बात की LG Tone Free ईयरबड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।